Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. My name is Ritika Singh Gupta Paul and it's my channel Bangunari Ritika. Anyways, मैं आप लोगों के लिए और एक vlog लाई हूँ आज and I really like it क्योंकि आप लोगों का बहुत positive response मिला मेरे को और मुझे भी करने में बहुत मजा आया because मैं जैसी हूँ normal life जैसा है मैंने आपको पूरे के पूरे show किया and you guys really like it. That's why आप लोगों का जो पसंद है वो मेरे लिए ऑलवेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आप लोगों को भी पसंद आया, मुझे भी व्लॉग करना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि और एक व्लॉग क्यों ना लाया जाए. तो गाइज अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं गिव अवे का जो गिफ्ट है वो पैक करने वाली हूँ और मैं शो करने वाली हूँ कि मैं कैसे पैक करूँगी और मैं यूज़ करूँगी सैनिटाइजर. बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर का मैं यूज़ करूँगी पैक के अंदर, तो मैं हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट गिव अवे जो कि मैं अपनी लाइक हाथों से पैक करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. इसी के साथ साथ माई गिव अवे पैकिंग इज डन गाइज. थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज भी हमारा जो इलाका है बोर्डो नागौर वहाँ पर आज भी लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है. दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो गया और दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं कुरियर कर रही हूँ तो मुझे सिस्टम भी पता नहीं था. मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा कि कैसे कैसे सेंड किया जाता है, कौन सा कुरियर कंपनी बेस्ट है. फिर भी ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद भी मेरे लिए थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. एनीवे तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी बजे है 8, तो सुबह के 8 AM है, तो अभी मैं क्या करूंगी, बॉयल्ड एग सैंडविच बनाऊंगी आप लोगों के साथ. सो लेट्स गेट जंप इनटू द कुकिंग. सैंडविच के लिए मुझे चाहिए मक्खन जो कि मैं बहुत लिटिल अमाउंट में यूज़ करने वाली हूँ. मुझे चाहिए वाइट ब्रेड, 3 eggs एंड लिटिल बिट ऑफ दिस हॉट एंड सावर केचअप. हॉट एंड स्वीट केचअप बाय मैगी, तो ये मुझे चाहिए बस ये सब कुछ और थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. परफेक्ट बॉयल्ड एग कैसे बनाते हैं मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है. इसके बाद गॉर्डन रैमजी का वीडियो एंड ऑल दैट कुकिंग वीडियोज मैंने बहुत सारा देखा है. कि सारे कुकिंग वीडियो देखने के बाद मुझे अभी पता है कि कैसे परफेक्ट सुपर हार्ड बॉयल्ड एग बनाते हैं. तो मैं क्या करूँगी, आप लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लीजिएगा, डोंट पुट द एग इन टू द बॉइलिंग हॉट वाटर. अगर आप बॉइलिंग हॉट वाटर पर अपना एग डालोगे तो एग तभी के तभी फट जाएगा. सो वी डोंट नीड दैट. तो क्या करूँगी, मैंने इंडक्शन को ऑन भी नहीं किया है एज यू कैन सी. तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में मैं एग को ऐसे डाल दूंगी. डोंट थ्रो इट आउट, जस्ट ए लिटिल बिट सॉफ्टली आप जेंटली पुश कर दो वाटर में. सो दिस विल बी परफेक्ट. एनीवेज तो मैं अभी गैस को अपने इंडक्शन को मैं ऑन कर लूँगी एंड इसको ढक के इसे बॉयल्ड होने दूंगी पूरे परफेक्ट 10 to 12 minutes के लिए. मुझे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल्ड एग चाहिए तो मैं 12 minutes के लिए रखने वाली हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो मैं 10 minutes के रखने वाली हूँ. तो आई नीड सुपर हार्ड बॉयल्ड एग, तो मैं 12 minutes के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. सो गाइज आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी परफेक्टली, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपको सेटिंग दिखाने वाली हूँ बट हुआ नहीं वो. मैं परफेक्ट सेटअप दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पर बैठ के शूट करती हूँ एंड ऑल दैट. मुझे पूछ सकते हो कि रितिका आज आपको हुआ क्या है, आप तो चाय पिया ही नहीं. एनीवेज तो मैंने पी लिया है बिकॉज मेरा नींद खुला है 5 बजे. तो मैंने 5 बजे बैठ के चाय पिया, फिर मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया 7 बजे को. अभी बजे हैं 8:30. बारह मिनट हो चुका है तो अभी मैं क्या करूंगी, एग्स को पानी से बाहर निकल के डायरेक्टली इसे आइस वाटर बाथ में देने वाली हूँ. अभी हम क्या करेंगे, इसे फास्ट फास्ट हम लोग पील कर लेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बॉइल्ड एंड थोड़ा बहुत क्रैक हो चुका है बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल अगेन. क्या करूंगी, इन 3 boils एक को, सॉरी फॉर दिस अगली एग. एनीवेज तो इसको मैं चॉप कर लूंगी डायरेक्टली. अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, नॉट टू मच, जस्ट अ लिटिल बिट. एंड देन उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ऑल्सो दिस इज नॉट टू मच, दैट इज एनफ. बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम लोग करेंगे हमारा ब्रेड को टोस्ट. और वो करने के लिए भी मेरे पास एक अलग सा प्रोसेस है जो कि बहुत यमी सा टोस्ट है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं. गाइस पहले मैंने अपने ब्रेड को ट्राई एंगल शेप में कट कर लिया है और ये है मेरा एग मिक्सचर, तो अभी मैं टोस्ट कर लूँगी.
नेक्स्टली तवा में मैंने डायरेक्टली दे लिया है थोड़ा बहुत बटर, एंड ये बटर परफेक्ट है 4 pieces ऑफ ब्रेड के लिए। सो इसको मैं थोड़ी देर तक गर्म होने का टाइम दूंगी, फिर ये जब ब्राउन लिटिल बिट ब्राउन हो जाएगा तब मैं अपना ब्रेड्स को इसके ऊपर दे दूंगी, फिर जो टोस्ट होगा ना गाइस यू विल लव इट। ये ब्राउन हो चुका है, अभी मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली बंस को दे दूंगी। ओह माय गॉड इट इज हॉट, जाएगा जब ये टोस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत ब्राउन हो जाएगा और आपको फ्राइड दिखेगा। अगर आपको इतना रिच वाला सैंडविच खाने का मन नहीं है, थोड़ा सा लाइट खाने का मन है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट मैं ये स्पेशल बनाती हूँ कभी कभी। सो डन डन, दिस इज माय ब्रेड टोस्ट इज रेडी, लुकिंग वेरी नाइस एंड टोस्टी एंड इट्स वेरी क्रंची। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसे एग फिलिंग के साथ फिल कर लेंगे, फिर मैं फाइनल रिजल्ट के बाद वापस आऊँगी। इज आवर ब्यूटीफुल एग सैंडविच विथ मैगी स्वीट एंड हॉट केचप इज रेडी राइट नाउ। सो इसे मैं सर्व करने वाली हूँ मेरे हस्बैंड को और मैं भी खाऊंगी डेफिनेटली। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये इजी बॉयल्ड एग सैंडविच। तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी कुछ बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए जो कि बहुत इजी होने वाला है। एनीवेज गाइस, तो आज का वेदर बहुत ज्यादा गंदा है सुबह से, एंड यू कैन सी आई एम स्वेटिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन अगेन बिकॉज सुबह से बारिश हो रहा है और थोड़ा सा भी वेदर चिल्ड नहीं हुआ है, हवा बिल्कुल बंद हो चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी है कल रात से, एंड आई हेट दिस काइंड ऑफ वेदर। ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आई कांट इवन स्टैंड 5 minutes राइट नाउ, अदरवाइज आई विल मेल्ट। मैं आप लोगों से और एक बात करने के लिए आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने मेकअप वीडियोस करना छोड़ दिया, डोंट इवन थिंक दैट बिकॉज आई लव मेकअप, आई कांट लीव इट लाइक दैट। एनीवेज, लेकिन आप लोग व्लॉग वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, पहले भी आप लोगों ने इंस्टाग्राम में बहुत बारी मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि दी आप व्लॉग बनाओ। कल के कॉमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि आप सब ने बोला कि दी आप डेली व्लॉग करना स्टार्ट करो, बट डेली व्लॉग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरे फैमिली में मेरा हस्बैंड और मैं हम दोनों रहते हैं, एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी मच कैमरा शाई पर्सन, मतलब वो कैमरा के सामने आ ही नहीं सकता। और आप लोग एक दिन मुझे देखोगे, दो दिन मुझे देखोगे, लेकिन 3 दिन के बाद आप बोलोगे कि दी वी आर गेटिंग बोर्ड, हम लोग आपके व्लॉग से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद अकेली बात करते हो खुद के साथ। सो वट शुड आई डू गाइज, आप मुझे बताओ कि मैं वीक में 2 vlogs डालने वाली हूँ जहाँ पर कुकिंग एंड एवरीथिंग रहेगा, और वीक में मैं 1 video डालने वाली हूँ मेकअप। सो आपको कैसा लगा ये आइडिया, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम स्वेटिंग। ও প্রচণ্ড লজ্জা পাও ক্যামেরার সামনে আসতে, তাই তোমাকে 1 ফোঁটাও আমি সামনে আসতে বলবো না ক্যামেরার। তুমি তো খেলে ব্রেকফাস্টটা, এবার তুমি একটু জানিয়ে দাও যে কেমন হয়েছে। দেখো বাজে হলেও বাজে বলো না, কারণ এটা আমি তো ইউটিউবে দেবো, প্লিজ বাজে হলেও বাজে বলো না, কেমন হয়েছে? খুব সুন্দর। এইভাবে বলছো কেন, জেনুইনলি বলো। খুব সুন্দর, ঠিক আছে। আপনার রান্না অসাধারণ, আপনার রান্না অসাধারণ, বউকে আপনি আপনি। হুম হুম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হুম, ধন্যবাদ। हाय गाइस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेटअप दिखा लिया है, कहाँ पर मैं बैठती हूँ, कैसे मैं शूट करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव माय प्रॉपर ट्राईपॉड विद मी राइट नाउ, बट आ जाएगा तब मैं वो ट्राईपॉड यूज़ करूँगी बिकॉज दिस इज़ वेरी चीप एंड वेरी फ्लिमजी, सो इट्स नॉट दैट राइट फॉर माई वीडियोज़, बट आज के लिए और अब के लिए ये ट्राईपॉड मेरे लिए सेवियर है। एनीवेज, तो अभी मैं क्या करूँगी, अपने हेयर को ब्लू कलर करूँगी, पता नहीं कैसा आएगा बिकॉज स्ट्रीक्स का कलर है, सॉरी मैं फ्रंट कैमरा में करती हूँ इसलिए आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। एनीवेज, तो मैं इसके साथ ब्लू कलर कर लूँगी मेरे हेयर को, सो देखते हैं कैसा ब्लू होता है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और नॉट एट ऑल ब्लू, ओनली ग्रीन और समथिंग लाइक दैट, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट।
अच्छे से मैं व्लॉग कर रही थी एंड डोंट लुक एट माय शर्ट. ओ माय गॉड, इट इज सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल. टाई डाई शर्ट हो जाएगा अभी, शर्ट हो जाएगा अभी. सो गाइज, मैं व्लॉग कर रही थी लेकिन व्लॉग के बीच मेरे साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग सा हुआ है. आई विल शो यू राइट नाउ. आई जस्ट रिसीव द न्यू कप्स एंड लैशेज ब्रशेज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. एंड अगर आपको नहीं पता है, आई लव नेल पॉलिशेज. सो मैंने 3 नेल पॉलिश का ऑर्डर किया था एंड आई गॉट दिस ऑल. ओ माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड. कुकिंग करने वाली हूँ एक वेजिटेरियन डिश की. एंड दिस इज परवल, दिस इज पटैटो, दिस इज भिंडी एंड दिस इज लाउ कुमरो. आई सीरियसली कंफ्यूज, आई एम सीरियसली कंफ्यूज अबाउट द लाउ एंड कुमरो. मे बी दिस इज कुमरो, या दिस इज कुमरो. तो क्या करूँगी मैं, अभी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सब्जी को अच्छे से वॉश करके, मैंने पहले भी वॉश करके रखा था लेकिन मैं फिर से वॉश करूंगी और इसे चॉप करके फिर हम लोग वापस आएंगे. तो सारे के सारे सब्जी को मैंने कर लिया है अच्छे से चॉप. एज यू कैन सी, भिंडी को मैंने चॉप कर लिया है, मैंने परवल या फिर पोटल को मैंने चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली चॉप हो गया है एंड ये है पोटैटो आलू एंड ये है कुमरो लाओ कुमरो. या सो मैंने सब कुछ चॉप कर लिया है. अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं कुकिंग करके दिखाने वाली हूँ आपको, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से सुन लिया कि कैसे बनाया जाता है. मैंने कभी नहीं बनाया. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है ऑलरेडी. अभी मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी, बिल्कुल लिटिल अमाउंट, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, अदरवाइज टेस्ट नहीं आएगा. अभी ऑयल को गर्म होने देंगे, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में दिखाया था कि ऑयल जब तक गर्म नहीं हो जाता तब तक डोंट पुट एनीथिंग. तेल गर्म हो चुका है, एज यू कैन सी अभी इसके अंदर से धुआं निकल रहा है. तो अभी हम लोग क्या देंगे, इसको कहते हैं बांग्ला में पाँच फोरन, या दिस इज कॉल्ड पाँच फोरन. इसको हम दे देंगे थोड़ा सा, या इतना नहीं लगेगा, ये इनफ है. एनीवेज तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, नॉट टू मच. डायरेक्टली हम पाँच फोरन के अंदर दे देंगे हमने जो आलू लिया था, आलू को चॉप करा हुआ आलू को हम लोग डायरेक्टली कढ़ाई में दे देंगे. ओ माई गॉड, आई एम अ फूड ब्लॉगर. ब्लॉगर कहाँ से आ गया, ब्लॉगर नहीं हो सकती मैं. आई एम अ फूड ब्लॉगर एंड आई एम अ कुकिंग शो, आई एम गॉर्डन रैम्सी. एंड आलू फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम रहता लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आलू को पहले दे देंगे और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे. और आलू के साथ साथ ही और एक चीज़ पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो है पटोल, मतलब परवल. मैंने ये सीखा है कि पोटल को परवल बोलते हैं, आज ही सुबह मैंने गूगल किया. मुझे पता नहीं कि मैं ठीक बोल रही कि नहीं, क्योंकि मैं पोटल को कभी परवल बोला ही नहीं आज से पहले. एनीवेज तो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, क्योंकि हम लोग इसके बाद पानी देंगे तो पानी में और थोड़ा सा पकेगा. तो दिस इज़ लाइक मतलब एकदम परफेक्ट काइंड ऑफ फ्राई हो गया है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डाल देंगे हमारा लाउ कुमरो. व्हाट इज़ इट मैन, आई फॉरगॉट ऑल द टाइम, दिस इज़ लाउ और दिस इज़ कुमरो, प्लीज़ मॉम टेल मी, दिस इज़ मे बी लाउ, नो इट्स कुमरो. ये तो कुमरो को देखिए, अभी हम फ्राई कर लेंगे. तो इसी हद तक पक चुका है. अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं भिंडी डाल दूँगी इसके अंदर. भिंडी भिंडी, क्योंकि भिंडी लाइक पकने में बहुत कम टाइम लगता है. तो मैंने भिंडी को लेट में, ओ माय गॉड, तेल मेरे ऊपर आ गया. मैं भिंडी और ग्रीन चिली दोनों को एक साथ डाल रही हूँ. ओ माय गॉड, तेल क्यों मेरे ऊपर आया. मैं क्योंकि कैमरा पकड़ के इनको इरिटेट कर रही हूँ, मे बी दैट्स वाई. एनीवेज तो क्या करेंगे, अभी हम लोग फिर से हिला लेंगे अच्छे से, इसको पकने का मौका देंगे. गाइस, मैंने हेयर को वॉश कर लिया. आई एम रियली सॉरी पीछे से अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बिकॉज माय हस्बैंड इज वर्किंग और बहुत जोर से चिल्ला के बात करता है, आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज तो मैंने हेयर को वॉश कर लिया है और ये ब्लॉन्ड की जगह ऑरेंज हो चुका है. एंड डोंट माइंड माई शर्ट, इट विल बी अ टाई डाई शर्ट वेरी सून. एनीवेज तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड हूँ. एक बार जो है वो कुरियर वाले को, लाइक जो गिव अवे का पार्सल है वो कुरियर वाले को मुझे फोर्थ फ्लोर से लाइक वन फर्स्ट फ्लोर तक जाना पड़ा, फिर से ऊपर आना पड़ा. और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, कप्स एंड लैशेज का भी जो पार्सल है वो भी सेम डे में आया, वो भी मैं फर्स्ट फ्लोर फिर फोर्थ फ्लोर. आई एम फीलिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने का हैबिट मैंने बहुत दिन पहले छोड़ दिया. एनीवेज आई एम स्वेटिंग लाइक अ क्रेजी. ये सारे सब्जी पक चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दे देंगे जीरा पाउडर. एंड दिस इज कुकनी जीरा पाउडर, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, नो नॉट एट ऑल. एनीवेज थोड़ा सा, नॉट टू मच, ओके दैट इज एनफ. एंड अभी हम लोग दे देंगे थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारा लोग टर्मरिक को टर्मरिक कहते हैं, मैं सोचती हूँ क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों. देखो टर्मरिक बोलने के बाद ये निकल नहीं रहा था. एनीवेज तो हो गया. अभी अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे. जैसे कि मैंने कल बोला था, मसाला को फ्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वही हम लोग करेंगे. फ्राई हो जाने के बाद अभी हम लोग डालेंगे पानी. पानी हो गया, या इतना पानी एनफ है शायद, आई डोंट नो, मैंने कभी बनाया नहीं. तो इसके अंदर अभी मैं क्या करूँगी, इसके अंदर अभी मैं अब लाइक डाल दूँगी लिटिल बिट शुगर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सब्जी में मिठाई, लाइक मिठाई थोड़ा सा शुगर का टेस्ट पसंद है, थोड़ा सा चीनी पसंद है. तो मैं थोड़ा सा चीनी का अप्लाई किया जस्ट लाइक फाउंडेशन. एनीवेज चीनी का अप्लाई किया और फिर मैं अप्लाई करूँगी नमक का. एंड नमक इज स्वादानुसार, आप जैसा डालना चाहते हो आप डालो, ज़्यादा डालोगे कम डालोगे इट्स टोटली अप टू यू. नेक्स्टली क्या करेंगे, इसे ढक के इसे रेस्ट करने का मौका देंगे. एंड गाइस, कल के बाद अपडेटेड बर्तन मैंने साफ कर लिया है. हाँ, अभी मेरे साथ एक बहुत अजीब सा चीज़ हुआ जो कि मैं शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ आ गई हूँ.
आपको पता है अगर आप मुझे पहले से देखते हो, मैं कभी भी फेक नहीं करती हूँ, कोई झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। आपने कभी कोई गोस्ट सीरीज देखा है या फिर कोई भी लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाला कोई भी वीडियो अगर आपने देखा होगा, लाइट्स छोटा सा एक लाइट्स फ्लो करके जाता है कैमरा के सामने से, या फिर अगर आप कैमरा ओपन करोगे। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ट्रस्ट मी अभी मेरे साथ हुआ। 2 सेकंड पहले मैं इस वीडियो को करने से लाइक ये वाला पार्ट करने से 2 सेकंड पहले एक ग्रीन सा ह्यू मेरे सामने से ऐसा चला गया। मैंने जब कैमरा ऑन किया आई वॉज लाइक व्हाट द हेल मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं आपको बताने के लिए चले, मैं तो डर गई थी, ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पर कुछ भूत है क्या, पता नहीं सारे यूट्यूबर के तरह मेरे घर में भी क्या भूत आ गया। ओ माय गॉड आई एम अ यूट्यूबर, भूत ने मेरे को वैलिडेशन दिया। ओ माय रखते हैं, भूत तो आता रहेगा जाता रहेगा। दिस इज ऑलमोस्ट रेडी एंड आई एम सुपर हैप्पी। मैंने पहली बार कोई वेजिटेरियन डिश बनाया, होप माय हस्बैंड विल लाइक इट, और वो लाइक करे ना करे मैं लाइक कर दूंगी। दिस इज माई डिश गाइज, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट बंगाली में इसको कहते हैं तौरकड़ी। सो गाइज माई निरामिषी तौरकड़ी इज रेडी, इट्स टोटली वेजिटेरियन 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 वेजिटेबल डिश। इसमें ना ही मैंने कोई लहसुन का इस्तेमाल किया है ना ही कोई अनियन का। सो दिस इज 100% वेजिटेरियन एंड आई रियली लाइक इट। और आप इसे वीगन भी बोल सकते हो बिकॉज मैंने सब कुछ कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं किया, सो यू कैन कॉल इट वीगन टू। অনেক দিন ধরে তো আমি তোমায় রান্না করে খাওয়াচ্ছি, বিয়ে 6 মাস কেটে গেল, এবার তুমি লোককে বলো যে তোমার বউ কিরকম রান্না করে। অসাধারণ অসাধারণ প্রফেশনাল একদম 11। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। অন্য সময় 1000 দেয় 100 দেয়, এখন না এখন আস্তে আস্তে 6 মাস কেটে গেছে বলে 11 হয়ে গেছে। সো বেসি দেখায় থাকি না ব্লু কালার করতে वाली हूं, বাট দ্য রেজাল্ট ইজ ভেরি নাইস। ওহ মাই গড ক্যান ইউ সি দ্যাট, ইটস নট আ ব্লু, it's not a red, it's not a green, what is it? It is so bad and so inconsistent. I am not a professional again, but this color is a disaster. इसलिए मैं कभी भी चीप कलर नहीं करने वाली हूँ फिर से, बट ये मेरे हेयर से बस चला जाए, I want that, बस और कुछ नहीं चाहती, because this is so bad. Don't do it. Guys, welcome back. Anyways, guys, तो अभी almost 8 PM बज चुका है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं डिनर बनाऊँगी, और मैं डिनर में बनाऊँगी चिकन, काइंड ऑफ लाइक अ सिंपल, वेरी सिंपल चिकन का डिश, तो मैं वो आपको धीरे धीरे या फिर फास्ट फास्ट शेयर कर लूँगी, बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेरी ड्रेन्ड एंड वेरी वेरी वीक, आई वॉन्ट टू स्लीप, बट आई वॉन्ट टू डू द व्लॉग टू। एनीवेज, तो डिनर में क्या बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी क्विक क्विक, उससे पहले मेरा डिजास्टर हेयर तो देख लीजिए गाइज। So this is my disaster hair. As you can see, it's not blue. It's kind of green, kind of yellow, and it's terrible. And I hate it. It's a disaster job and a disaster color combination is beautiful. पहले मैंने आपको बोल के गया कि this is a disaster color and I hate it. But guys, मेरे husband ने बोल दिया कि you are looking very beautiful and that means a lot. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे validation मिल गया, but kind of मुझे validation मिल गया। सारे के सारे सब्जी को मैंने chop कर लिया है, like. तो गाइस अनियन को बारीकी से चॉप करके रखा हुआ है, टमाटर को बारीकी से चॉप करके रखा हुआ है, एंड दिस लहसुन को मैंने अपनी मम्मी की टिप्स लेके थोड़ा सा चॉप करके इसे स्मैश कर लिया है, एंड देन दिस इज ग्रीन चिली, ग्रीन चिली वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, सो दिस फ्रोजन पीस, अभी मेरा सारे के सारे सब्जी रेडी है, अभी मैं चिकन को डायरेक्टली कुक कर लूँगी। ये डिफरेंट ऑयल, सो दिस इज नॉट मस्टर्ड ऑयल, सो दिस इज वाइट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, व्हाटएवर वेजिटेबल ऑयल, मैं इसे थोड़ा सा दूंगी, नॉट टू मच, बिकॉज हेल्दी खाने में किसको मज़ा नहीं आता। गर्म हो चुका है तो अभी मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली इसमें दे दूँगी हमारा जो लहसुन है उसको, मैं गार्लिक को अभी मैं डायरेक्टली कढ़ाई में दूँगी, और फिर उसके बाद इस गार्लिक को थोड़ा सा जस्ट लाइक 10 सेकेंड के लिए पकने देंगे। देखो लहसुन काइंड ऑफ लाइक येलो येलो ब्राउन ब्राउन हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली अनियन को प्लेस कर देंगे। गार्लिक बोला या फिर मैं अनियन बोला पहले, एनीवेज आप समझ जाओ, तो अभी हम लोग प्लेस कर देंगे अनियंस को, और अनियंस को थोड़ा सा फ्राई होने का वक्त दे, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये गोल्डन गोल्डन एंड ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब इसके अंदर हम लोग दे देंगे हमारा चॉप टमाटर, एंड चॉप टमाटर देखिए इसको थोड़ा बहुत हिलाएंगे क्योंकि इसके अंदर आई लव ग्रीन चिली, आई सीरियसली लव इट, दैट्स वाई हम लोग ग्रीन चिली दे देंगे। लेकिन हम लोग ना अभी आप गलती से भी फ्रोजन पीस को डायरेक्टली ऑयल के अंदर मत दीजिएगा, इट विल बर्न योर फेस, लिटरली इट विल बर्न योर फेस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्टली दे देंगे चिकन को, और चिकन को काइंड ऑफ फ्राई फ्राई कर लेंगे, नॉट टू मच बट काइंड ऑफ फ्राइड हो जाएगा चिकन, तब तक हम लोग वेट करेंगे। सो मसाला के साथ जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम हिलाते रहेंगे। ओ माय गॉड माय स्किल्स इज सो प्रोफेशनल एंड आई एम अ प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर नाउ,
कुकिंग है तभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पानी का इस्तेमाल करेंगे, इसे अच्छे से पानी में सब मर्ज कर लेंगे। एकदम आप लोग यहाँ पर अच्छे से पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और धीरे धीरे जो बॉटम ऑफ द पैन में मसाला आटा गया है उसको भी आप लोग धीरे धीरे इस वाटर के साथ सब मर्ज कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, जो सब्जी का ब्यूटीफुल टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसी वक्त हम लोग अप्लाई कर देंगे, अप्लाई इट्स लाइक अ फाउंडेशन, हाँ अप्लाई कर देंगे हमारा जो फ्रोजन पीज है वो भी, ताकि ये ठीक से बॉयल हो जाए वाओ बंगाली हो जाए, बिकॉज फ्रोजन पी है तो इसको भी पकने में टाइम लगेगा। इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने का टाइम देंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन बीच में हम लोग दे लेंगे थोड़ा सा नमक, नॉट टू मच, नमक ये प्रेफरेंस के ऊपर होता है, आपको जितना चाहे स्वाद अनुसार आप लोग नमक का इस्तेमाल कर पाओगे और कर सकते हो। और फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा बहुत टर्मरिक दूंगी, टर्मरिक या व्यूज देखती हूँ वहाँ पर, वो जो लोग होते हैं ना फॉरेनर्स वो ऑलवेज टर्मरिक को टर्मरिक बोलते हैं, और मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है वो वर्ड, बिकॉज मैं कभी भी टर्मरिक को टर्मरिक नहीं बोला। और आजकल इंडियन भी लाइक फॉरेनर को कॉपी करते हुए बहुत सारा फैशन ब्लॉगर एंड ऑल जो स्किन केयर का वीडियो बनाते हैं वो ऑलवेज कहते हैं टर्मरिक, एंड आई हेट इट लिटरली। तो ढक के पकने का मौका देंगे 15 to 20 minutes, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। माई चिकन स्टू इज रेडी, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी। अगर आप डाइट में जाना चाहते हो एंड यू डोंट वॉन्ट टू ईट सुपर हेल्दी फूड, सो दिस विल बी अ अमेजिंग ऑप्शन फॉर यू। इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी सुपर हेल्दी बट स्टिल इट्स वेरी हेल्दी। एनीवेज तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊंगी कि क्या इसमें बहुत अच्छा है। गाइज अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बनाए ये। आई डोंट वॉन्ट टू बर्न माई टंग। दिस इज सो नाइस एंड सो लाइट एंड सो ब्यूटिफुल एंड सो अमेजिंग गाइज, डू ट्राई इट। मैंने कुछ भी नहीं दिया, बस थोड़ा सा हल्दी नमक एंड ऑल द सब्जी एंड मेक ऑल द मैजिक हैपन्स। गाइज डेफिनेटली डू ट्राई इट एंड डू लेट मी नो। इट्स ऑलमोस्ट नाइट टाइम, तो मैं क्या करूँगी, वीडियो को रैप अप करूँगी। मैंने आज आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों करके दिखा दिया एंड दे आर सुपर सुपर ईजी रेसिपीज। अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो यू कैन ईजिली डू दैट। वेरी टेस्टी, वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल। एनीवेज गाइज, तो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम आके मिलूंगी, नेक्स्ट टाइम और भी ऐसा सारा व्लॉग लाऊंगी। इफ यू गाइज लाइक इट, लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, बट मेक अ वीडियो बीच बीच में आता रहेगा। एनीवेज मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। बाय गाइज, बहुत अच्छे से रहना, बहुत खुश रहना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, अपना खुद का ख्याल रखना। बाय।